What is TET? Full form is Teacher Eligibility Test. जो students B.Ed कर चुके हैं या कर रहे हैं या D.L.Ed कर रहे हैं या कर चुके हैं, D.L.Ed को पहले E.T.T भी बोला जाता था, उन students के लिए वीडियो यूजफुल है। इस वीडियो में मैं बेसिक क्वेश्चन जो होंगे उनका आंसर दूंगा। फर्स्ट है व्हाई टीईटी इज कंडक्ट। आंसर है 2009 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेजर एक चेंज आया, ये वो क्या था, आरटीई एक्ट पास हो गया 2009 में। 2010 में आरटीई एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इम्प्लीमेंट करने के बाद वो चेंजेस क्या आए वो उसको मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, एक तो क्वांटिटेटिव चेंज और दूसरा क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज में क्या था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कंसेप्ट है, इसके अनुसार कि हर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में एनरोल होना चाहिए। नंबर एक क्या बात हुई कि जितने भी बच्चे स्कूल के बाहर हैं वो स्कूल में आने चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्कूल में बच्चों की गिनती बढ़ जाएगी। गिनती बढ़ने से क्या होगा कि हमें एडिशनल स्कूल ओपन करने पड़ेंगे, प्लस हमें एडिशनल टीचर रखने पड़ेंगे। इट मींस आरटीई एक्ट ने डायरेक्टली सजेस्ट किया कि न्यू स्कूल्स एंड न्यू टीचर्स अपॉइंट किए जाएं। तो ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे, आज भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 3.22 करोड़ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये जब स्कूल में आएंगे इट मींस प्लस स्कूल और टीचर हमें चाहिए। इनसे क्या है कि टीचर्स की जॉब के चांसेस बढ़ गए। दूसरी तरफ क्या है कि क्वालिटेटिव चेंज के वो जॉब किन टीचर को दी जाएगी, उनके लिए ये प्रोविजन के बेटर टीचर को। बेटर टीचर कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि एक टेस्ट रखा जाएगा, जिनको टीचर जिन्होंने जॉब लेना चाहते हैं उस टेस्ट को जब तक पास नहीं कर सकते उसके बिना वो एलिजिबल नहीं होंगे, उस टेस्ट को कहा जाने लगा टीचर एलिजिबिलिटी। तो 2010 के बाद 2011 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने टीईटी लेना शुरू कर दिया। 11 फरवरी 2011 को नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने यह कह दिया कि जिन टीचर्स ने फर्स्ट से लेके एट्थ तक टीच करना है तो उनको टीईटी पास करना होगा। नेक्स्ट है व्हाई आई शुड क्वालिफाई इट, टीईटी हमें क्यों करना चाहिए। नंबर एक फायदा है, नंबर वन कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हो, अच्छा गवर्नमेंट जॉब इसकी सेंटर की भी हो सकती है स्टेट की भी हो सकती है। सेंटर के लिए सेंटर टेस्ट कंडक्ट करेगा जिसको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और स्टेट का एसटेट, आगे स्टेट का नाम आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब का है तो पंजाब स्टेट टीईटी। अच्छा सेंटर की जॉब्स कहाँ ज्यादा निकलती हैं, जो सेंट्रल के केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय हैं, ये मेनली कवर होते हैं। इसके अलावा और भी सेंटर की जॉब्स हैं, ये अगर इसमें जाना चाहते हो टीईटी करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो एडेड स्कूल हैं उनमें जाने के लिए टीईटी भी चाहिए, ये पार्शली इम्प्लीमेंटेड हो सकता है लेकिन चाहिए। अच्छा तीसरा फायदा क्या है कि ये कंपैरिजन अगर किया जाए कि एक टीचर है उसने टीईटी पास किया हुआ है और दूसरा टीचर जो है विदाउट टीईटी है, तो क्या दोनों की सैलरी प्राइवेट स्कूल में सेम होगी। आंसर इज नो, थोड़ा सा फर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2-3 हजार 1 हजार का सैलरी का भी स्टेटस का भी फर्क पड़ता है। तो तीसरा फायदा है बेटर स्टेटस एंड सैलरी इन प्राइवेट स्कूल, आपको टीईटी क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि टीईटी किस लेवल के लिए कंडक्ट किया जाता है। अब तक जो प्रैक्टिस रही है, ये मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ग्राफ रखा है आपके सामने। यहाँ पर है मिडल जो एट्थ तक के स्टूडेंट है, यहाँ तक फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स है। अगर आप एट्थ तक के स्टूडेंट्स को टीच करना चाहते हो तो एक लेवल टू है और दूसरा है फिफ्थ तक के लिए, उसके लिए लेवल वन है। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये जो फाउंडेशनल एजुकेशनल लेवल है
इसके लिए भी टीईटी कंडक्ट किया जाएगा और हायर लेवल के लिए। इट मींस स्कूल में आपने कोई भी टीचर लगना है, फ्यूचर की ये बात है, इमीडिएट फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अब दो लेवल के लिए, एट्थ तक और फिफ्थ लेवल के लिए टीईटी कंडक्ट किया जाता है। नॉर्मली बीएड वाले दोनों में एलिजिबल होते हैं, लेकिन ईटीटी वाले या डीएलएड वाले जनरली वन पेपर फिल करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आप एक ही समय में जो पेपर हो रहा है वन और टू पेपर फिल। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या है टीईटी में अपियर होने के लिए? अगर तो आप डीएलएड के स्टूडेंट हो तो 10+2+ आपकी डीएलएड, अगर आप ग्रेजुएट हो प्लस आपकी फिर बीएड चाहिए। इट मींस दो लेवल है, फर्स्ट लेवल के लिए डीएलएड +2 और यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। इसके अलावा आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो और मिनिमम 45% मार्क्स हो। लेकिन इसको 45% लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब जॉब निकलती है तो मिनिमम 50% या 55% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं जो क्वालिफाइंग, जैसे ग्रेजुएशन या प्लस टू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन आई अपियर इन टीईटी? देखिए, आप कोई तो कोर्स कर रहे हैं, या तो आप बीएड कर रहे हैं, या डीएलएड कर रहे हैं, या ईटीटी कर रहे हैं। ये मैंने बीएड लिख लिया, ईटीटी लिख दिया, डीएलएड इसको समझ सकते हैं। इसको चार पोर्शन में हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम वन, सेम टू, सेम थ्री एंड सेम फोर। पहले प्रैक्टिस ये थी कि एक साल गुजर जाने के बाद, इसके बाद अगर फॉर्म निकलते हैं तो अपियर होते थे कैंडिडेट टीईटी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन के बाद ये हो गया है कि आपकी एडमिशन आज हुई है, मान लीजिए नेक्स्ट डे ही टीईटी के फॉर्म निकले हैं तो आप उनको फिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या है कि इमीडिएट आफ्टर एडमिशन अगर फॉर्म निकलते हैं आपके एस टेट के, स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के, जहां सी टेट के, तो आप फिल कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन है जिसमें ये बताया गया है कि इमीडिएट आफ्टर एडमिशन कोई भी सी टेट में अपियर हो सकता है, बेशक वो डीएलएड या ईटीटी का कैंडिडेट। नेक्स्ट, अगर स्टेट लेवल का टेस्ट है तो स्टेट बोर्ड, अगर सेंटर का है तो सीबीएस इसको कंडक्ट करती है। कौन सी टाइप है? एक तो सेंटर का जिसको सीटेट बोलते हैं, पीछे बात हो चुकी है, दूसरा स्टेट, कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल पंजाब स्टेट टीईटी। तो अगर आप स्टेट के बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स में जॉब चाहते हैं तो आपको स्टेट का टेट ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इनमें जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो आपको सीटेट पास करना होगा। लगभग सिलेबस इनका सेम है, सिलेबस इनका डिफरेंट, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, एज लिमिट है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आपने जाना है, एडेड में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है? लगभग जो, अगर गवर्नमेंट में आपने जाना है, एडेड में जाना है, तो लगभग 35 या 37 के करीब, क्योंकि हर स्टेट की मिनिमम एज लिमिट जॉब की है। सीटेट, पीटेट या स्टेट टेट या सेंटर टेट, टीईटी की कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी अपीयर हो सकते हो। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि 37 है, अगर मैं 38 का हो गया हूं या हो गई हूं तो क्या मुझे टीईटी में अपीयर होना चाहिए? देखिए, मैंने पीछे भी बात करके आया हूं कि प्राइवेट स्कूल में स्टेटस और सैलरी में फर्क पड़ता है अगर आप अपीयर करते हो। दूसरा ये है कि अगर आप कैटेगरी के हो, जैसे यहाँ पर ओबीसी की है वो 38 हो गई है, एससी एसटी है वो 40 ईयर तक हो गई है, और फिजिकली हैंडीकैप 45 तक हो गई है, ये रिलैक्सेशन भी है इन अकॉर्डेंस विद योर कैटेगरी। तो कई बार प्रेशर ग्रुप भी, जैसे पीछे पंजाब में प्रेशर डालकर के ये टेट या जॉब नहीं बड़े देर से निकली हुई, तो इसकी एज कम से कम 42-43 के करीब ले गए थे जॉब की, नॉट ऑफ टीईटी। टीईटी आप कभी भी अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ए कैंडिडेट कैन अवेल फॉर टीईटी? अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्जी बार दे सकते हो। टीईटी का वैलिड पीरियड क्या है? एक बार आप टीईटी क्लियर कर लेते हो तो कितने समय के लिए उसका सर्टिफिकेट वैलिड है?
2021 से पहले ये 7 ईयर के लिए वैलिड था, लेकिन 2021 के एनसीटी के नोटिस के बाद ये सभी कैटेगरी के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए वैलिड है। इट मींस कि आपको एक बार ही लाइफ में टीईटी क्लियर करना है। ये एनसीटी का नोटिफिकेशन है जो 7 ईयर के लिए ये पहले वैलिड था, अब ये लाइफ लॉन्ग हो चुका है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका इफेक्ट टीईटी पर है, जान लेना जरूरी है। वो क्या है? नंबर एक, आज से पहले जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले 2 लेवल पर टीईटी कंडक्ट किया जाता था, एक 5th क्लास तक के टीचर के लिए, एक 8th क्लास तक के टीचर के लिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने फाउंडेशनल क्लासेस के लिए भी टीईटी कंपलसरी कर दिया और सेकेंडरी, हाँ याद रखना है कि सेकेंडरी की डेफिनेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 तक है। तो अब 4 लेवल है, 4 लेवल के लिए टीईटी इमीडिएट फ्यूचर में कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या है कि जो टेस्ट स्कोर है जॉब रिक्रूटमेंट, जहां टीचर की रिक्रूटमेंट जब होनी है आपकी स्कूल में, तो टीईटी के स्कोर को वेटेज दी जाएगी। नंबर 3, इसमें इंटरव्यू को प्लस शामिल किया गया है, डेमोस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू को शामिल किया गया है। तीसरा कि लोकल लैंग्वेज में इंटरव्यू होगी, जहां लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। इट मींस आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज की एंजाइटी का बोझ अब उठाना नहीं पड़ेगा। ये 4 इफेक्ट हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा एमसीक्यू के रूप में। उसके 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, 4 में से 1 राइट आंसर या बेस्ट आंसर आपको चूज करना है, जिसका 1 मार्क होगा। ये रहा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी भी टीईटी टेस्ट में। पेपर 2 होंगे, जहां जो मैंने पीछे लेवल 1 और लेवल 2 डिस्कस किए हैं उसको पेपर 1 और पेपर 2 कहेंगे। पेपर 1 होगा जो 1st से 5th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, पेपर 2 होगा जो 5th से 8th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं। जब गवर्नमेंट जॉब निकालती है जनरली इसको टीजीटी में शामिल कर लेती है। इसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, वो आगे चल के बताता हूँ। आपके पेपर में टोटल क्या क्या शामिल होगा, ये पेपर 1st टू 5th के लिए है, ज्यादा फर्क नहीं है। जो प्राइमरी स्टेज है 5th क्लास तक के टीच करने के लिए यहाँ डिस्कस कर गए हैं, जो ये 1st 1 है। ठीक, तो कितने 2.5 आवर का आपका एग्जाम होगा, उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सारे पेपर जो हैं जहां सेक्शन जो हैं सेट जो हैं 5 सेट हैं वो कंपलसरी होंगे। फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज CDP, इसको बोलते हैं सी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज आपने लर्न करनी है वो पेपर 2 पर भी अप्लाई होंगी, पेपर 3 पर भी अप्लाई होंगी, पेपर 4 पर भी अप्लाई होगी और 5th पर भी अप्लाई हो सकती हैं। तो कुछ जैसे ये लैंग्वेज का 2nd कंपलसरी है आपके लिए, तो लैंग्वेज में कुछ पोर्शन पेडागोजी के क्वेश्चन का होगा, जो पहले क्वेश्चन की नॉलेज की एप्लीकेशन होगी। अच्छा, ये वेरी इजी है, हर पेपर के 30 MCQ हैं और 30 मार्क्स हैं। इट मींस अगर एक क्वेश्चन आपका ठीक होता है तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। लैंग्वेज 2 है, एक लैंग्वेज आपने दोनों ऑप्ट करनी है, एक कंपलसरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका रीजनल जो है स्टेट लेवल का टेस्ट है या सेंट्रल लेवल का टेस्ट है। अच्छा, जो प्राइमरी लेवल पर मैथ्स कंपल्सरी है 30 MCQ 30 मार्क्स, और एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज ये भी 30 MCQ 30 मार्क्स, टोटल इनका करते हैं तो 150 का आपका एग्जाम है। 150 MCQ आपने फेस करने हैं
और उसको कितने टाइम में, 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। 150 में से आपने कितने मार्क्स गेन करने हैं आगे चल के, वैसे बताता हूँ 90 जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए आगे चल के। सी टेट के लिए लैंग्वेज ऑप्शन टोटल 20 है, आपने इनमें से कोई 2 लैंग्वेज चूज करनी है अकॉर्डिंग टू। चूज कैसे करनी है इसके लिए अलग से वीडियो होगा, क्योंकि लैंग्वेज चूज करने से आपके मार्क्स में इफेक्ट होता है। और क्योंकि एक लैंग्वेज मान लीजिए पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज है और पंजाबी सेकंड लैंग्वेज है, तो उसमें पेपर की डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस होता है, तो आपके प्रीवियस नॉलेज उस लैंग्वेज में कितनी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली चूज करना होता है। पेपर 2 जो नॉर्मली बीएड वाले ही फिल करते हैं 5th से 8th क्लास, जैसे एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं उसको, प्राइमरी बोला था 5th के लिए, यहाँ एलिमेंट्री 8th के लिए है। वर्ड भी याद रखने, क्योंकि टीईटी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन कितनी है, उतनी है, 2.5 घंटे है। स्ट्रक्चर क्या है, पहला CDP ही होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से उससे कंपेयर करें तो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। 30 MCQ 30 मार्क्स के होंगे। Language 1 Language 2 आपने ऑप्ट करनी है, जो पीछे बात करके आए हैं। मैथमेटिक्स वाली अगर स्ट्रीम आपकी है तो ये पेपर मैथ्स और साइंस वालों ने ऑप्ट करना है, और इसके मार्क्स होंगे 60 और ये 60 MCQ। ओके, तो अगर आपकी सोशल साइंस स्ट्रीम है तो आपको सोशल साइंस की ये ऑप्शन लेनी होगी, जिसमें 60 MCQ 60 मार्क के होंगे, टोटल 150 MCQ और 150 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, फर्क क्या है, सिर्फ ये एक वहाँ एनवायरमेंटल साइंस था, लेकिन यहाँ आपकी अकॉर्डिंग टू जो आपकी मास्टरी है, जब पेडागोजिकल सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए हैं बीएड में, उसके अनुसार आपने चूज करना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के क्वेश्चन है तो उसमें पैडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, जो इस पहले पेपर की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगी, दैट इज व्हाई फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही 20 लैंग्वेज की ऑप्शन है, जिसमें से आपने 2 को चूज करना। सीटेट का क्वेश्चन पेपर बायलैंग्वेज होता है, जो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, जब हम तैयारी करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में ही तैयारी करेंगे। अगर आपका स्टेट लेवल का टेस्ट होता है तो वो मोस्टली इंग्लिश प्रेफर की जाती है, उस स्टेट की लैंग्वेज। कई बार वो जो सेंट्रल एरिया इंडिया के हैं वो हिंदी ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स हैं, जो 90 बनते हैं 150 में से, और जो SC ST OBC हैं उसके 55 हैं, जो लगभग ये बन रहे हैं 82 मार्क्स। लेकिन आपने टारगेट जो हायर का रखना है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि ये टेस्ट स्कोर जॉब रिक्रूटमेंट के वक्त वेटेज उनको दी जाएगी। मोड ऑफ एग्जाम क्या है, कुछ चेंजेस आ चुकी हैं। सीटेट ऑनलाइन होता है, मीन आप कंप्यूटर पर बैठोगे, आपको कंप्यूटर पर डिस्प्ले होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और आपने वहां पर ही जो ऑप्शन अपनी 4 में से 1 MCQ की चूज करनी है। दूसरी तरफ स्टेट के जो हैं मोस्टली ऑफलाइन होते हैं, जिसमें OMR शीट आपको मिलती है, OMR शीट पर सर्कल लगाने होते हैं, ये आपने बीएड एंट्रेंस टेस्ट या ETT एंट्रेंस टेस्ट में भी दिया होगा। तैयारी कैसे करनी है, जो आपका जैसे पीछे बात करके आए हैं, अगर आप साइंस या मैथ्स स्ट्रीम के हो और सोशल साइंस स्ट्रीम के हो, है ना, एनवायरमेंटल साइंस है, तो इनके लिए आपको अगर स्टेट लेवल का आपने TET फिल किया है, स्टेट लेवल का है, तो आप SCERT की और NCERT की, ऐसे नहीं है कि स्टेट की है और NCERT की नहीं स्टडी कर सकते। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि आपने जब गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो अगर स्टेट से बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है तो नेचुरली है SCERT की बुक्स को ही आपको टीच करना है, दैट इज व्हाई कंटेंट उसमें से ये जो क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन है उसमें से पूछे जाएंगे, अदरवाइज ये बेस जरूर है। हाँ, कई बार उसमें उससे कंटेंट बाहर भी चला जाता है, तो सेंट्रल है तो आप NCERT को छोड़ नहीं सकते, मीन अगर आप मैथ्स के हो तो मैथ्स की NCERT की बुक, अगर सोशल साइंस के हो तो NCERT की सोशल साइंसेस की बुक, ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आपको बुक स्टडी करनी है या ऑनलाइन आपने गाइडेंस लेनी है या कोचिंग लेनी है या तीसरी ऑप्शन है यूट्यूब पर, या कोई कई मोड्स हैं इसके, तो ये
आपके लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। अगर आपका विजुअल लर्निंग स्टाइल रीडिंग वाला है तो आप बुक्स पर जाइए, अगर आपका ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है, अगर मिक्स लर्निंग स्टाइल है तो आप यूट्यूब चैनल को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, ये आपने खुद देखना है। जब हम ये टीईटी की तैयारी करेंगे साथ साथ में आपके लर्निंग स्टाइल को असेस करके अकॉर्डिंगली गाइडेंस भी दी जाएगी। अच्छा तो ये बुक्स आपको पता ही है, अगर खरीदनी नहीं है तो ऑनलाइन अवेलेबल है, काफी यूट्यूब चैनल ने इन पर कुछ ना कुछ मटेरियल प्रेजेंट किया होगा, वो आप स्टडी कर सकते हो। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर थर्ड है, एक हो गया कि एससीईआरटी एनसीईआरटी और ये बुक हो गई, थर्ड हो गया कि प्रीवियस ईयर पेपर, ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि शायद कंटेंट हम सारा स्टडी कर ले, लेकिन हो सकता है कि वो कंटेंट कैसे स्टडी किया है लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन वैसे आ ही नहीं रहे। दैट इज व्हाई एमसीक्यू क्वेश्चन आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, कई बार आइडिया रिपीट तो होते ही होते हैं, आप 90% आइडिया रिपीट होते हैं लेकिन 5-10% क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने वाले इतने पेपर सेटर अवेलेबल नहीं है। जो फर्स्ट पेपर है सीडीपी, उसकी तैयारी के लिए जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट एक्सेप्टेबल और पॉपुलर बुक्स हैं वो है लॉरा ईबर की चाइल्ड डेवलपमेंट। आपने कोई भी एग्जाम एजुकेशन का किसी भी कंट्री का देना हो, इसको पढ़े बिना आप नहीं दे सकते। सेकंड बुक का नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, टाटा मैक्रा हिल की पब्लिकेशन है, ई बी हरलॉक। इसके डायरेक्ट इवन क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप अच्छे से स्टडी करो तो इसमें से आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट प्रिंसिपल्स जो रूल्स थ्योरीज और स्कूल ऑफ लर्निंग जो हैं वो जब तक क्लियर नहीं होते आप एप्लीकेशन नेक्स्ट जो 4 पेपर हैं जैसे सेक्शन है उन पर अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई फर्स्ट पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसकी तैयारी करेंगे साथ साथ में। ये तो होगी बात कंटेंट की, नॉलेज की, कि आप इन बुक्स में से एससीईआरटी एनसीईआरटी हरलॉक बर्क इनमें से पढ़ सकते हो, लेकिन किसी भी सक्सेस के लिए सिर्फ की मेन नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, आपको प्लस रीजनिंग भी चाहिए। अगर नॉलेज बेस है तो रीजनिंग अच्छी है तो आप एमसीक्यू का क्वेश्चन अच्छे से ढूंढ लेते हो, लेकिन अगर स्कोर ज्यादा लेने हैं तो आपको प्लस साथ में स्ट्रेटजीज चाहिए। स्ट्रेटजीज कौन सी, जो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए अप्लाई होती है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसके लिए स्ट्रेटजीज कोई और होती है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, और एमसीक्यू के लिए कुछ और होती है। तो जब नॉलेज रीजनिंग एंड स्ट्रेटजीज को हम कंबाइन करके चलते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम चलेंगे, मीन जब हम तैयारी करेंगे साथ साथ में कंटेंट की नॉलेज भी होगी, रीजनिंग कैसे करनी है, आपने अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज करना है, थिंकिंग को बेटर कैसे करना है, वही एमसीक्यू की एक्सरसाइज और स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके राइट आंसर तक कैसे पहुंचना है। अगर आपके ये स्ट्रेटजीज और रीजनिंग ये कंबाइन हो जाती है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं यहां तक ले जाऊंगा वहां तक ले जाऊंगा, मैं करवाऊंगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आपने रीजनिंग अपनी यूज करनी है तो बेटर रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकते हैं। साथ में जब मैं तैयारी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे, साथ में न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी, काफी लंबे जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उनको साथ साथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा पर्पस क्या होगा, के आर एस फॉर्मूले को अप्लाई करना। अगर जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो बी एड और एटीटी में एडमिशन ले चुके हैं, चाहते हैं कि वो टीईटी की तैयारी करें और टाइम पर अपना ये फर्स्ट एक स्टेप जो है पूरा कर ले, आप इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। कैसे होगा, कुछ वीडियो जो बेसिक्स होंगे या बेसिक कोर्स होगा जो 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 आपके लिए हर हालत में जरूरी होगा, जिसमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के और न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जो भी ये क्लासेस लगाना चाहता है ऑनलाइन वो ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, अब आपका जो मेरे ख्याल में एम जिनका जॉब है, सिर्फ जॉब नहीं गवर्नमेंट जॉब है या एडेड गवर्नमेंट जॉब है, उसको अचीव करना चाहते हो तो नेचुरली उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप टीचर एजुकेशन का कोर्स कोई ज्वाइन कर सके हो, फॉर एग्जांपल डी एल एड
जहां बी एड आप ज्वाइन कर चुके हो, ठीक। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपने टीईटी क्लियर करना है। टीईटी मान लीजिए क्लियर हो गया, आपने ये देखना है कि आपका पेडागॉजिकल जो सब्जेक्ट है वो आपका इनटू जॉब की जो डिमांड है वो क्लियर है। उसकी तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश की पोस्ट निकली है, यहाँ मैंने इंग्लिश डायरेक्ट में लिख दिया है, इसकी इंग्लिश की पोस्ट निकली है, इट मींस आपने इलेक्टिव इंग्लिश जो है वो पढ़ी हुई हो, कितने साल के लिए, 3 years के लिए पढ़ी हो। और तीसरा है कि उसमें मिनिमम मार्क्स कई स्टेट में 50 हैं परसेंटेज और कई में 55 है, ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट में है। फॉर एग्जांपल पंजाब में हम तो ये टीजीटी के लिए 55 है। तो कितने स्टेप्स हैं जॉब तक पहुंचने के लिए, अगर आप मान लीजिए ये आपके पास सब कुछ है, टीईटी नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, मान लीजिए आपके पास टीईटी है ये नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, इट मींस आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ भी लेके चलना होगा। आपको देखना होगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए तैयार होना होगा। तो अब आप अगर एडमिशन ले चुके हो, मान लीजिए आपने एडमिशन ली है, तो न्यू जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया है उसके अनुसार आप अभी के बाद आप अभी टीईटी के फॉर्म अगर निकलते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, टीईटी में अपीयर हो सकते हो। अच्छा एक बात और है कि टीईटी में अपीयर हो सकते हो, लेकिन ये भी होना चाहिए ना टीईटी के एग्जाम जो है क्या अभी हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं। जो सीटेट है वो भी देखिए कि पिछले साल एक साल में एक हुआ है, और स्टेट का डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के उनके डिसीजन पर, कई बार तो दो दो साल जैसे पंजाब में है, दो दो साल तक भी टीईटी क्लियर कंडक्ट नहीं किया गया। इट मींस ये क्यों बता रहा हूँ कि जब भी टीईटी निकलता है, अगर आप इस ट्रेनिंग कोर्स में, एजुकेशन कोर्स में ज्वाइन प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हो, देन आपको जो भी टीईटी आता है उसमें हर साल हर हालत में अपीयर होना चाहिए, एंटर कर जाना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो ये जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट एनुअल ईयर में वो फिर टीईटी के फॉर्म आए या फिर कर सकते हो। तो जो भी टीईटी का एग्जाम आपके अभी इमीडिएट फ्यूचर में आता है वो आप कर लेना चाहिए। वैसे सीटेट की नोटिफिकेशन हो चुकी है, कई स्टेट्स में भी कंडक्ट होने के जो नोटिफिकेशन हो चुकी है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कोई तैयारी करना चाहते हो। मैं अपने तरफ से जो स्ट्रेटेजीज रीजनिंग या उसकी एक्सरसाइज करवा के कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो करूँगा। उसके लिए अगर आप चाहो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हाँ अगला आप ये है, नॉर्मली एक साल में ये हो गया सेमेस्टर, एक दिसंबर या जनवरी, ये आगे क्वेश्चन है उसका जवाब अभी दे रहा हूँ, दिसंबर या जनवरी के करीब, ओके। तो दूसरा मई जून जुलाई के करीब, ये दो वक्त होने थे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सीटेट भी एक को स्किप कर रहा है, ये नहीं हो रहा, इसकी जगह पर दिसंबर वाला होगा जिसकी नोटिफिकेशन अभी आ चुकी है। तो इट मींस जो भी टीईटी के फॉर्म जब आते हैं, स्टेट लेवल का हो सेंटर का हो, आपको फिल कर देने चाहिए। स्टेट लेवल का इनसे भी बुरा हाल है, कई बार जैसे पंजाब में है ये एक सेम हो गया, दो सेम हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, कई बार तो दो दो साल तक वो टीईटी के फॉर्म या एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, तो आपको अवेयर रहना चाहिए। अच्छा फॉर्म निकलते कब हैं, ये भी बात है, फॉर्म निकलते हैं लगभग 2 महीने पहले जब एग्जाम कंडक्ट होना है। इट मींस अगर दिसंबर में होना है आप सीटेट का, तो जल्दी लेके चलिए, वो 3-4 महीने पहले भी फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन होना है। आपके स्टेट का लगभग 2-3 महीने पहले उसके फॉर्म आ जाते हैं। सो टीईटी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी जरूर कहूँगा। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज, थैंक यू।